पूड़ी है इनको दे रहे हैं जानवरों को अपने, ये देखें जरा। और ये वो कुर्बानी वाले बकरों की सेहतें ऐसी ही होती है माशाल्लाह। ये देखें नाची वाला, नाची वाली लुक आ रही है इसके अंदर। समझ में नहीं आ रहा ये बकरे हैं या बकरियां हैं, ये किसे पूछें कैसे पता चलेगा। माशाल्लाह से बकरों से बड़ी बड़ी बकरियां में नजर आ रही हैं। हम आए सानिया बाजी के पास। कैसी हैं आप? ठीक हैं यार? ये तो मुझे टक्कर टुकर मार देगा, पहले तो मुझे इसे बच के रहना पड़ेगा। ये बहुत ही डेंजर किस्म का दोंदा बकरा, इतना बड़ा और इतना खतरनाक मैंने तो नहीं अभी तक देखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। आपका भाई आ चुका है सिंध में और आज आपको बकरियों का शौक करवाएंगे, जो की हमने पहले दिखाया था पंजाब में। बहुत सारे लोगों ने इनसे बकरियां मंगवाई क्योंकि इनकी बकरियां हैं बकरों के साइज की, वन बाय वन करके दिखाएंगे। सानिया हमारे साथ हैं, क्या रिस्पांस मिला पंजाब से? बहुत प्यार मिला आपके जानवर वगैरह लोगों ने बहुत मंगवाए हैं। आपकी वीडियो के बाद भी काफी मुझे बचा के रखे हैं। ये क्या खतरनाक आपने अजीब सी चीज लाके बांध दी है। मुझे शेर की वीडियो बनाते हुए इतना डर नहीं लगता जितना इसका लग रहा है। ये 12 महीने का बकरा है, दो दांत का बकरा है। साइज देखो यार कितना बड़ा बकरा है, मैं आपको लाइव देखोगे परेशान हो जाओगे देख के। खड़ा नहीं होना, टिकने नहीं देता। कितने जानवर खड़े हैं इस टाइम? इस वक्त आपको यहाँ पे 40 तो एनिमल्स मिल जाएंगे। पंजाब कितने चले गए तकरीबन? पंजाब तो हमारे मेन 80% जानवर हमारे पंजाब ही वीकली बेसिस पे जाहिर होते हैं। अच्छा, जबकि मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है उसके बाद इनके अपडेट्स वगैरह देखते रहता हूँ। हर 5-7 दिन के बाद डाला भर के पंजाब वाली साइड पे जा रहा होता है। पहले सिंध में डाले घूमते रहते हैं मुनीफ भाई। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह से जो आपकी लास्ट वीडियो थी उससे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तानिया माशाल्लाह से तकरीबन समझ लें कि लास्ट कुर्बानी से इस कुर्बानी तक 450 बकरे हैं जो हमने पूरे पंजाब में, माशाल्लाह माशाल्लाह 200 बकरे सिर्फ लाहौर के। अच्छा भैया, सीन ऐसे है कि अगर आप लोग बकरे लेना चाहते हो या बकरी के बच्चे लेना चाहते हो या फिर बड़ी बकरियां लेना चाहते हो, गबन है, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो के लास्ट में बताएंगे किस तरह से मिल सकती हैं, किस तरह से आपको पंजाब में पूरे पाकिस्तान में कहीं में भी आ सकती हैं। पिशावर तक भी जाएंगी जी भाई, पिशावर केपी के भी जाएंगी, मतलब हर जगह पे आपको मिलेंगी। उधर तो होती रहेंगी, पहले बकरे दिखाएं। और बकरी बकरे लाग रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी भी गलती नहीं है। माशाल्लाह भाई साहब, ये बकरी खड़ी हुई है, इसका साइज चेक करें जी, इसके बारे में बताएं जरा। 26 से 27 इंच कान है, थोड़ा सा हमको दिखा भी देते हैं पकड़ के। भाई साहब ये कान है इसकी, ये लेंथ है, सही है। इन्हें दो को जोड़ के रोटियों वाला माल भी हम बना सकते हैं, रोटियां रोटियां लेने जाना हो या फिर गले में मफलर डालना हो सर्दियों के अंदर, वो भी चल सकते हैं। तो गबन है बकरी, ये कितनी उम्र होगी इसकी? 4 दांत होगी। और इसकी हाइट कितनी है? 42 से ऊपर होगी। ये देखे ना, ये थापी मारे सीने पे, थापी मार के दिखाए ना जरा, ये देखिए, ये व्यापारी वगैरह भी ऐसे थापियां मार के दिखा रहे होते हैं और सीरियसली मजा आया था। तो ये रही पहली बकरी भाई साहब, और अगर किसी दोस्त को ये चाहिए हो पैर दिखाए जरा आगे करके। ओके दोस्त, ये चेक करो इसकी टांग की मोटाई, चेक करो बिल्कुल बकरों की। ना दूसरी वाली, अब आपको बाकी 2 बकरियां और दिखाने लगे हैं। पहले आपको 1 दिखा चुके हैं, अब 2 और दिखाने लगे हैं जो कि हमारी बहन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पहले 1 दिखाएं ना आप, गोश्त गोश्त दिखाएं जरा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चेक करो भाई साहब ये। इसके अच्छा नाची बकरी वाली मुनीफ भाई लुक दे रही है पूरी, है ना, पूरी नाची बकरी लुक दे रही है। और इतनी भरी हुई बकरी है, मतलब हम लोग बकरियां जो देखते हैं ना वो काफी वीक होती हैं, उनकी हड्डियां निकली होती हैं, पसलियां निकली होती हैं, खिलाई पिलाई जो, लेकिन ये बकरी देखें, ये पूरी गोश्त वाले बकरी नहीं जैसे होते हैं माशाल्लाह। सानिया जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करती खाने पीने पे, वो कहती है कि ये एक अल्लाह की तरफ से जो है ना। सारा बकरी तो माशाल्लाह देखें, बकरी खूबसूरती देखें, पूरी बकरी भरी पड़ी है। हाइट चेक करें, लेंथ चेक करें बकरी की, माशाल्लाह से आपके सामने यार बकरी, और ये क्वालिटी है। अब कुछ बोलने की मतलब जरूरत नहीं रहती है इसके बाद, जब आप लोग सामने चीज खड़ी होती है तब आप लोगों को और कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती है। वो तो चले सारी बातें बाद की हैं, हमें पहले ये बताइए बकरी मिलेगी कितने की? ये तो आपके पापा से पूछना पड़ेगा जी भाई। यार ये बकरी माशाल्लाह ली किधर से है, घर की है या खरीदी है? हमारी होम ब्रीड है, वैसे आप देख ले जितनी भी सारी है ना, ये हमारी होम ब्रीड है, जब ये बड़ी वाली है। सर ये तो माशाल्लाह से थापी मारे, जरा दिखाए व्यापारियों की तरह, चेक तो कराए। ये नाची वाला, नाची वाली लुक आ रही है इसके अंदर, लेकिन एक हाइट की बात हम बाद में ले जाते हैं, हाइट की बात हम बाद में लेते हैं। उसकी गुलाई जो कुर्बानी पे बकरे आते हैं ना ईद पे, कस्ती बकरे आते हैं, उस तरह की गुलाई आ रही है माशाल्लाह से। देखा सीना देखे ना, इतनी भराई वाली बकरियां, लेकिन ये ब्रीड वगैरह करेगी क्या सीन है इसका? ये गबन है, क्यों इतनी बड़ी बकरियां जो होती हैं वो लोग कहते हैं वो ब्रीड ही नहीं करती, कमजोर कमजोर बकरियां रखो। भाई ये वो बकरियां हैं जो 8 दांत के बाद भी कम से कम 3 से 4 पेट देती हैं। आपके पास 3 बच्चे आए भी हैं माशाल्लाह, इससे बड़ी बकरी है वो, भी हम आपको आगे वीडियो वो अपने व्लॉग में दिखाएंगे अगले व्लॉग, सही है ना। लेकिन अगर आप लोग ये बकरियां लेना चाहते हैं ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुनीफ भाई को एक व्हाट्सएप पे करना, इनको रिप्लाई करके आपको भिजवा देंगे। दूसरी बकरी का इंतजाम करें जरा, ये तो हमने देख ली माशाल्लाह, इसको तो देख के मजा आ गया यकीन माने। ओके जी, अब हम चल रहे हैं दूसरी बकरी की तरफ। जो भी बकरी पसंद हो स्क्रीनशॉट लेके इनको भेज के मंगवा लें। उसके अलावा इनके पास खुद से भी बकरियां पड़ी होती हैं, अगर आपको वो पसंद है तो आप वो भी मंगवा सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पंजाब से कराची आए, इनके पास टाइम
मिलने बैठे, इनका सारा माल देखे, रेवड़ का सौदा मरे मुझे ले जाए। बिल्कुल भाई, पर रेट हाई है भाई के। मैंने अंदाजा वहां से लगाया कि मैंने रेट तो पूछे नहीं आपसे, मैंने अंदाजा वहां से लगाया कि दाना पानी जो डाल रहे हैं वो उस रेट में बारे में नहीं आने जानवर। नेक्स्ट बकरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह की है और क्या क्वालिटी है उसकी। ओके, तो हमारी बहन के पास अब कौन सी बकरी है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, ये पिंक कलर की ज्यादा मुझे लग रही, इसकी आंखें भी पिंक है, इसके कान उसे छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन ये 22 इंच, ये 22 इंच के अंदर है, लेकिन वो जो दूसरे बकरे होते हैं हमारे देसी बकरे होते हैं उनसे बड़े कान है। इसकी नोज में भी फर्क है, इसकी आईज के भी जो है पूरा पिंक राउंड है, बट इसकी सेहत में कोई कम्प्रोमाइज नहीं। ये कुछ स्पेशल जादू की पूड़ी है इनको दे रहे हैं जानवरों को अपने, ये देखें जरा। और ये वो कुर्बानी वाले बकरों की सेहतें ऐसी होती हैं माशाल्लाह, मेरा ख्याल है उनके पास भी आप वाला ही फार्मूला होता है, पर वो बकरों के ऊपर अप्लाई हुआ था, आपने बकरियों के ऊपर अप्लाई कर दिया है। प्रॉपर गंदम जो देते हैं इसके अलावा जंतर वगैरह, आप लोगों को स्पेशल वंडा भी है, वंडा देते लेकिन वो इतना ही देते मेन, आप लोगों का कोई नहीं है प्रोडक्ट, देखते हैं इसके अंदर हम वो काले चने के छिलके वगैरह चोकर ये सब चीज होती है। ये गबन है जी, कितने महीने की, और चार महीने की, मतलब दो ढाई महीने में तीन दिन तो बच्चे आते हैं इनके। मुनीब पे कोई गुलाबी में होता क्या, तो एक या दो, तो अभी तीन बच्चे जो आपके आए हैं, बहुत ही 20 या 25 बकरियां आती है ना, एक बकरी ऐसी होती है गुलाबी जो तीन बच्चे दे देती है। फिर हम चलते हैं अगली बकरी की तरफ। जी बिल्कुल सही है ना। ओके जी, हम इधर से बात करके आते हैं, हमारी बहन अगली बकरी ले आती है उतनी देर में। अच्छा, इसके बारे में बताए क्या एज है इसकी, क्या लेंथ है इसकी, और इसके अलावा 2.5 महीने। कोई थापियां थूपियां ना सीन कोई नहीं इस बार, हाथ तो नहीं थक गए, ये टिक भी नहीं रही। अच्छा, वहां पे मेरा ख्याल है कोई चारा चूरा चल रहा है, भागती जा रही हैं। कोई नहीं, हम थोड़ी अब थोड़ी छोटी साइज में दिखाते हैं, कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव होंगी, थोड़ी नॉर्मल रेंज में है, थोड़े छोटे साइज में, थोड़े छोटे दिखा देते हैं भाई। मैंने असल में कम रेंज में छोटी थी, लेकिन ये तो उससे डबल रेट बता रहे हैं भाई, क्या वजह। असल में मसला ये है कि जो छोटी भी हमारी है ना वो महंगी है। आगे हम लोग छोटी है, छोटी पैकेट में बड़ा धमाका है ये, है ना, इनके इसके तो सबसे लंबे है ना, उस वाली से एक हमने दिखानी है, उसके सबसे लंबे है, वो खड़ी हुई है, वो भी दिखानी है हमने, काफी दूर खड़ी है अभी तक जो देखी है उसमें। ये आगे बाबू से लंबा कान है इसका, साथ लगा के देखें, बाबू अपना साथ लगा के देखें। हाँ, ये 24 इंच का कान है। उम्र क्या है इसकी, चार दांत की हो चुकी है अभी। मेरे पास मतलब अल्फाज नहीं है, मैं इस खबर में क्या बात करूँ, खूबसूरती तो सारी है, मैं क्या कहूँ, हेड पैर दिखाओ इसका। हसन भाई, एक आपको और चीज बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती जी, वो ये बात है कि जो ये कहते हैं कि यार आपकी इतनी महंगी क्यों है, असल में हमारे ब्रीडर जो है ना जी जी वो है एक्सपेंसिव, और अगर हम छोटी सी बकरी भी करते हैं ना तो रिजल्ट उसके बहुत अच्छे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब आप देखें ना, 7-7, 8-8 लाख का ब्रीडर है, अभी आपको पता होगा पिछले दिनों, अभी सिर्फ 4 दिन पहले 10 लाख का ब्रीडर बिका है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं, दिखाया बहुत बड़ा है, मैंने मिस कर दिया, कितना मिस किया है ना, देखिए आपको बुलाया था, आप असल में आया उसी के लिए था। आप देखे उसने हमारी वो बकरी क्रॉस की, उससे आज 3 बच्चे हुए हैं, कल अमूमन गुलाबी 2 से ज्यादा नहीं। मैं असल में ना बच्चे की क्वालिटी दिखाना चाहूंगा, मेरा माशाल्लाह हाथ का साइज अच्छा खासा है, ये देखें, ये मेरा हाथ फुल खुला हुआ है इसके नीचे, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसका मुंह तक देना मुनीफ भाई, ये मेरा हाथ इस टाइम फुल इसके कान के नीचे खुला हुआ है। अब आप अंदाजा लगा जो कजले छतरे का कान होता है ना, उसे चौड़ा कान है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह कजले छतरे से चौड़ा कान, और कान की लेंथ अगर आप देखें तो ये कान की लेंथ है, बहुत हैवी है। लेकिन हम अगली ब्रीड की तरफ चलते हैं, अगली ब्रीड दिखाते हैं। बकरा आ गया बड़ा ही खूबसूरत, मुनीफ भाई बकरे के बारे में बताएं जरा। इसके बारे में देखे आपने, खुद अंदाजा हो गया कि ये बकरा नहीं बकरी है हमारी, पर आपको बकरा लग रहा है यार, ये बकरा है यार, ये बकरी कहाँ से है, देखे माशाल्लाह, ये बकरी, ये बकरा है, बकरी नहीं है भाई साहब, ये बकरी है यार, मैं मजाक कर रहा था। और बकरी की, बकरी का साइज चेक करें, इसकी गर्दन के नीचे झाल रहे हैं, ऐसी कहाँ आती हैं बकरियों के अंदर, ये देखें। और ये सानिया के फेस से बहुत बड़ा इसका फेस है, मतलब आपकी गर्दन, इसकी गर्दन जितना आपका फेस है खाली, ये बहुत हैवी चीज है, बकरी फेस देख के कोई नहीं कह सकता इसको कि ये बकरी है, इसकी फेस ही प्रॉपर एक पैरेट नोज जो होती है वो है, फेस देख के कोई नहीं कह सकता, गबन है ये, गबन अभी है, फ्रेश क्रॉस, बड़े वाले बकरा जो पीछे अभी आपको दिखाया है, देखें लागू पूरा बकरा रहा है, इसका फेस अगर खाली आप देखें ना तो आप फेस देख के नहीं अंदाजा लगा सकते बकरी है के बकरा, मतलब इसको आप लेके ना खड़ा कर दें किसी रेवड़ के अंदर, और किसी बंदे को कहें यार जाओ एक बकरा निकाल कर आओ बड़े मुंह वाला, और वहाँ पतले मुंह वाले बकरे खड़े हो तो उसके अंदर से ये निकाल के लाएगा वो सबसे पहले। देखें इसकी, इसका ब्रीडर पे देखें, पैरेट फेस जिसको कहते हैं, पैरेट फेस, वो सबसे बड़ी बात कानों में, कान की लेंथ भी दिखाएं जरा। अमूमन एक चीज बताऊं, सिंह के जो बकरे थे बड़े बड़े कानों के होते हैं, पर बकरियां मैक्सिमम जो है ना 23-24 इंच कान से ज्यादा नहीं जाती, ये जो है 26-26.5। अच्छा मुनीफ भाई, हाथ पे हाथ रखें जरा,
लेकिन ये मेरे हाथ का साइज है, ठीक है ये ठीक है। और पहले बकरी का कान, वो बच्चा जो छोटा बच्चा जो था उसका कान के नीचे हाथ मेरा छुप गया था, इसके भी ट्राई करते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, देख ले खजला क्या हुआ, देखे ये फुल खोला हुआ है यार, हाथ अपना मैंने फुल खोला हुआ है और कान की साइज चेक करो, बहुत चौड़ाई है कानों की, ये साइडों से एक्स्ट्रा भी निकला हुआ है, मेरे हाथों से तकरीबन आधा आधा इंच बाहर निकले हुए कान। जानवर तो आप लोगों ने देख लिया माशाल्लाह से, जानवर बहुत सारे हैं, सारे एक बार में हम दिखा नहीं सकते हैं। तो आप क्या आपकी YouTube का चैनल नाम बता दें, वहां पे लोग देख लेंगे। जी जी, हमारा एक तो मुनीफ लाइव स्टॉक है, ये आप देख सकते हैं, ये मुनीफ लाइव स्टॉक है, ये मैं तो अमूमन सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। इसके अलावा मैं लोगों को यही कहूँगा कि भाई रात के 2-2, 2:30 बजे कॉल ना करा करें, सुबह 11 से रात 11 बजे तक करें। हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।